अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम आप सभी से माफी मांगते हैं कि बिना पूछे हमने उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम जीत जाएंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि हम जीतने वाले हैं तो सबसे पहले आकर आप लोगों को ही बताते। पर हम वादा करते हैं कि अगली बार से ऐसा कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आकर आप लोगों से पूछ लेंगे। वाह राधिका, ये सही है, पहले जख्म दो फिर उन जख्मों पर मरहम लगा दो। तुम्हारी वजह से हमारे मुन्ना की इज्जत पर आंच आती है। आज एक बार फिर से तुम्हारी वजह से हमारे मुन्ना को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें जरा सा भी एहसास है राधिका कि तुमने अपनी पापा की इज्जत बढ़ाने के लिए हमारे मुन्ना की इज्जत को घटा दिया और हमारे परिवार की इज्जत पर तुमने दाग लगा दिया। मेरी कोई इज्जत नहीं घटी माँ। बल्कि आज राधिका के लिए मेरी आंखों में इज्जत और भी बढ़ गई। ये मुन्ना क्या कह रहा है? मुझे भी लगा था कि राधिका गलत है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बस अपने पापा की मदद कर रही थी, और अगर एक बेटी अपने पापा की मदद करे तो इसमें क्या ही गलत है। माना कि हमें ना बताकर और गाड़ी के लिए हमारे घर का पता देकर उसने गलती की, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। मुन्ना, एक मिनट, तुम्हें राधिका ने ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है कि तुम अब इसकी जुबान बोल रहे हो? दिव्यम जी, हम आपके परिवार की गरिमा को समझते हैं और आपको भी बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पापा मिडिल क्लास जरूर हैं, लेकिन उनका भी आत्मसम्मान है, इसीलिए हमने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था ताकि हम अपने बलबूते पर अपने पापा के लिए कुछ कर सकें और उन्हें वो तोहफा लेने में हिचकिचाहट भी ना हो। कल को अगर हमारे पापा की जगह आपके पापा होते और हमारे पापा आपके पापा को ऐसे गाड़ी खरीद कर देते तो आपको अच्छा लगता? हम बस आपको इतना ही समझाना चाह रहे थे। माँ, पापा, अगर मैं आपके लिए कुछ करना चाहूँ तो आपको घूमने के लिए विदेश भेजना चाहूं, आपके लिए एक बड़ा घर लेना चाहूं, एक गाड़ी लेना चाहूं, तो वो गलत होगा। मुझे बिजनेस करना पसंद है पापा। आपका नाम बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिन रात मेहनत करता हूं ताकि चार चांद लगा सकूं। बिजनेस का नाम बढ़ेगा तो आपका भी नाम बढ़ेगा, और यही करना चाहता हूं ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। अगर मेरा ये सब करना सही है तो फिर राधिका का ये करना गलत कैसे है? वो भी तो अपने पापा को खुश करना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है, और इसीलिए तो कॉन्टेस्ट में भाग लिया। हाँ, हर इंसान का अपना आत्मसम्मान होता है, और यह आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। फिर हमने कैसे सोच लिया कि हम राधिका के पापा को गाड़ी तोहफे में देंगे और वो ले लेंगे? इसीलिए राधिका ने हमसे गाड़ी के लिए नहीं कहा, बल्कि अपनी मेहनत से कॉन्टेस्ट में भाग लिया और किस्मत से जीत भी गई। ये गाड़ी तोहफा है राधिका की तरफ से अपने पापा को,
और इसलिए वो मना भी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है दीपम बिल्कुल सही कर रहा है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें सोचने का मौका ही नहीं मिला, और हम सब ने बिना सोचे समझे राधिका पे बरसना शुरू कर दिया। राधिका बेटा, हो सके तो हम सबको माफ कर देना, हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया। लेकिन तुम्हें भी हमसे एक बार पूछ लेना चाहिए था बेटा। सॉरी पापा जी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। विधि का विधान देख रहे हो जग्गू, जब एक बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है तो माँ बाप के लिए वो पराई हो जाती है। एक छोटा सा मिठाई का डब्बा भी देना हो तो 50 बातें सुननी पड़ती हैं। चाह कर भी बेटी अपने मायके वालों के लिए कुछ नहीं कर पाती। मुझे तुम पर गर्व है राधिका, तुमने अपने बलबूते पर इतना अच्छा काम किया है। शाबाश, जीती रहो। राधिका बेटा, तुम अपनी जीती हुई कार अपने पापा को जरूर देना। थैंक यू पापा जी, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने गाड़ी के लिए यहाँ का तो पता लिखवाया ही नहीं था, फिर गाड़ी यहाँ पर कैसे आई? उसका पता मैं लगा लूंगा, तुम चिंता मत करो राधिका। अरे मुन्ना, अब जाने देते हैं ना इस बात को, क्यों और लंबा खींचना, बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये बेकार की बात है, अब जब सब लोग खुश हैं और सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं तो फिर इस बात को यही खत्म करते हैं। सुजाता, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, तभी बात ऐसे ही पलटती। ठीक है पापा जी, हम ड्राइवर भैया को बोल के पापा के घर पे गाड़ी भिजवा दें। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन ड्राइवर तो छुट्टी पे है। अच्छा, काश हमें खुद गाड़ी चलानी आती होती तो हम पापा के पास खुद ही चले जाते और उनके चेहरे की खुशी भी देख लेते। कोई बात नहीं, हम पापा को फोन करके बोल देंगे कि वो किसी को भेज दें वरना खुद आकर गाड़ी ले जाएं। चाबी लाओ। किसकी चाबी? तुम्हारे दिमाग की, जो घुटनों में, ऑब्वियसली गाड़ी की चाबी। चलो अब देख क्या रही हो, तुम्हारे पापा फोन का गिफ्ट देके आते हैं। अब मना तो इतनी छोटी गाड़ी चला कर ले जाएगा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? माँ, एक बेटी अपने पापा को तोहफा दे रही है, वो गिफ्ट छोटा कैसे हो सकता है? चलो हमारे कुछ गहने हैं, इन्हें गिरवी रख दीजिए और जो भी पैसे आएंगे ना उन पैसों से एक नई गाड़ी खरीद लीजिए। डाउन पेमेंट तो हो ही जाएगा ना? अरे अनुराधा जी, आप पागल वागल हो गए हैं क्या? ये सब मुश्किल समय में काम आने वाली चीजें हैं। आप एक काम करिए, इसको वापस रख के आइए, हम अपनी स्कूटी ठीक करवा लेंगे। हम अपनी स्कूटी ठीक करवा लेंगे, हमेशा सबका सोचिए, खुद का कब सोचेंगे आप? ठीक है भाई। हेलो, इतना शोर कौन कर रहा है? लगता है कोई बाहर हॉर्न मार रहा है, देखना पड़ेगा। चल चल।
कैसे हैं पापा? बहुत अच्छे बेटा, जीते रहो, खुश रहो। खुश रहो। बहुत अच्छी नई गाड़ी की बहुत बधाई हो। पापा कैसी लगी आपको कार? बेटा गाड़ी तो बहुत अच्छी है। पापा ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये आपके लिए है। अरे नहीं बेटा, क्या बोले जा रही हो? हम दामाद जी से गाड़ी लेंगे क्या? नहीं चुपी बेटा, ऐसा है कि ये गाड़ी आपको दामाद नहीं, आपकी बेटी दे रही है। दरअसल राधिका ने एक कंपटीशन में भाग लिया था और उसी में उसने प्राइज में ये गाड़ी जीती। सच? ये गाड़ी आपकी बेटी की तरफ से है। लेकिन दामाद जी ये सब हम कैसे ले सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं दादी, जब बेटे अपने माँ बाप को तोहफा दे सकते हैं तो बेटियां क्यों नहीं? और पापा आपको ये गाड़ी लेनी ही होगी, प्लीज। और अगर आपने मना कर दिया तो आपके दामाद जी बहुत नाराज हो जाएंगे, सोच लीजिए। बेटा जिन लोगों को लगता है ना कि बेटियां सर का बोझ होती हैं, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बेटियां बोझ नहीं होती, सर का ताज होती है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। थैंक यू बेटा, हमें तुम पे गर्व है। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर अति सुंदर। राधिका, अगर तुम्हें मुझे वर्कआउट करते हुए देखना ही है तो पास आके देखो, दूर से क्यों देख रही हो? वैसे लोग कहते हैं कि जो कपल साथ में वर्कआउट करते हैं उनका रिश्ता बहुत गहरा होता है। We'll be right back.
राधिका बहू, ऐसे खड़े होकर क्या दिख रही हो? एक काम कर, तुम जाओ और दिव्यम के पीठ पे बैठ के उससे पुशअप करवाओ। तुम्हें पता है ना, आजकल बड़ा मशहूर है ये चलन। जाओ। जी। नहीं नहीं ताई जी, हम कैसे उनकी? अरे राधिका बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम इसे भी सच मान लिया? और वैसे एक बात बोलू, तुम अगर दिव्यम के पीठ पर चढ़ जाओगी ना, तो बेचारा दब जाएगा। एक काम करो, जाकर ये प्रोटीन शेक देकर आओ। ये तो कर सकती हो ना तुम? जी। हेलो वैभव, तूने फोन नंबर चेंज किया क्या? कहाँ हो? कानपुर में? कौन, सब लोग हैं क्या? करण और दिया भी? कहाँ? रेस्टोरेंट में? यार मुन्ना, आमा तेरे स्कूल वाले दोस्तों का फोन है। आमा वो अपना वैभव करण। अरे तो रेस्टोरेंट में क्यों मिलना है, उन्हें घर पे बुला लेना। वैसे भी उन्हें हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद है, हम कुछ बना देंगे अच्छा सा। बेस्ट आइडिया मैम। वैभव सुनना, रेस्टोरेंट छोड़ना, घर पे मिलते हैं। हाँ मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे, आराम से बातें करेंगे। सुजाता ये वही दिया है ना? माँ बोलो आ रहे हैं घर। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। दिव्यम जी, आपका प्रोटीन शेक। थैंक यू, लेकिन मुझे अपना प्रोटीन शेक बनाना खुद ही पसंद है, तो कल से मैं खुद बना लूंगा। बट स्टिल थैंक यू फॉर दिस। राधिका क्या खुशबू आ रही है, आज तो मजा आने वाला है। राधिका तुमने दिव्यम के दोस्तों के लिए इतने टेस्टी समोसे बनाए हैं, तुम थोड़ा सा तो चक्कर देखो। गोलू भैया आप तो जानते हैं ना हम ये सब नहीं खाते। मालूम है राधिका, लेकिन मेरे कहने पर ही खा लो। अच्छा टेस्ट कर लो, इसे मना मत करना प्लीज, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, खा लो। अच्छा ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे तो हम थोड़ा सा खा लेते हैं। राधिका ये क्या है? राधिका ये तली भुनी चीजें खाने की वजह से ही तुम्हारा वजन कम नहीं होता, और तुम्हारी वजह से लोग मुझे ताने सुनाते हैं। 50 लोग आके तुम्हें बातें सुनाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखने में तुम्हें दिक्कत है। राधिका को मैंने बोला था, वो सिर्फ चख रही थी। वो तो देखा मैंने कि आपने बोला उसे, वो बस चख रही थी। राधिका को कुछ मत बोलना, और मुझे क्यों लपेटे में ले रहा है? ये तो मेरी बातें सुनते नहीं है राधिका, एटलीस्ट तुम तो समझ। राधिका देखो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोल रहा था कि तुम पतली हो, मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा था कि तुम फिट रहो, तंदुरुस्त रहो। हर इंसान को अपनी सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, और तुम अपनी सेहत पे ध्यान दोगी तो वजन तो अपने आप कम हो ही जाएगा। हम होने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वजन घटता ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अब से तुम्हारे पतला होने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, और इसलिए नहीं कि तुम पतली हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम फिट रहो और एकदम हेल्दी रहो। आज से तुम रोज मैं जो डाइट बताऊंगा वही फॉलो करोगी,
और एक्सरसाइज करोगी हर रोज, करोगी कि नहीं? जी दिव्यम जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। गुड, चलो रोना बंद करो और कल सुबह तैयार रहना। देखा सुजाता, अब ये गोलमुखी फ्लैट मुखी बनने वाली है। इसका ये सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे भाभी। सुबह खा ला, शायद गलती से लग गया होगा, बंद कर देते वरना तफीम जी की नींद खुल जाएगी। सॉरी तफीम जी, वो पता नहीं अलार्म कैसे बज गया, लेकिन हमने बंद कर दिया है, आप सो जाइए। अलार्म सोने के लिए नहीं, उठने के लिए लगाया है। चलो उठो, जॉगिंग करने के लिए जाना है। इतनी सुबह? हाँ इतनी सुबह, चलो। चलो चलो जल्दी से ये कपड़े पहनो। कोई बहाने नहीं राधिका, चलो जॉगिंग करने के लिए। हम बहाने नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम ये सूट में ही जॉगिंग कर ले क्या? नीचे जूते पहन लेंगे। बहुत समय से ना हमने ये ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट नहीं पहनी है, और घर में पापा जी ताऊ जी सब हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सूट ही सही रहेगा ना? ठीक है, तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, लेकिन नीचे जूते जरूर पहनना। हाँ। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। राधिका, मैं जॉगिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरी तरह तेज जॉग नहीं कर पाओगी, इसलिए यहाँ पे जिम में ट्रेडमिल पे जॉग करो, सिर्फ 3 की स्पीड पे, ज्यादा तेज नहीं, समझी? पहला दिन है, आराम आराम से शुरू करेंगे। जी। कैसे का बताओ? ये सारे स्पीड के बटन्स हैं और इंक्लाइन नहीं करना है, ये एमरजेंसी वाला निकाल देना है अगर चक्कर आए या स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए। गुड, चलो आप जॉगिंग करो। क्या अचानक से कैसे बंद पड़ गया? अचानक से ये ट्रेडमिल को क्या हो गया है? शायद मेरे ज्यादा वजन की वजह से बंद पड़ गई है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम तब तक योगा कर लेते हैं।
राधिका तुमने जॉगिंग कर ली? दिव्यम जी हम कोई बहाने नहीं राधिका, एक बूंद नहीं निकली है पसीने की। क्या कहा था कि मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगी, तो फिर क्या है ये सब? मुझे सच बताओ तुम्हें पतला होना भी है या नहीं, या फिर मैं बेकार में ही अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे? दिव्यम जी हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। तो फिर हम ट्रेडमिल पे चल रहे थे लेकिन वो अचानक से रुक गई, तो हमें लगा कि हमारे ज्यादा वजन की वजह से ट्रेडमिल खराब हो गया, इसलिए हम योगा करने लग गए। राधिका ये ट्रेडमिल है और इस ट्रेडमिल पे तुमसे भी ज्यादा वजन वाले लोग दौड़ते हैं, जंप करते हैं। अच्छा ठीक है रुको मैं देखता हूँ। चल तो रहा है, दिक्कत क्या है? सच में दिव्यम जी ये ट्रेडमिल पहले नहीं चल रहा था। नजरों में गिरा कर रहेंगे। सच बताओ राधिका तुम्हें फिट होना भी है या नहीं? सॉरी दिव्यम जी शायद हमसे कोई गलती हो गई। ठीक है जॉगिंग नहीं की ना, आप करो 10 मिनट नहीं 20 मिनट नहीं पूरे 30 मिनट करोगे। दिव्यम जी वो 5:30 बजने वाले हैं। तो दादी जी की पूजा का समय हो गया है। तो कोई बात नहीं हम जॉगिंग करके जाएंगे। जाओ पहनो जूते जल्दी। हाँ पहन कर आते हैं। जल्दी 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 जी के उठने का समय हो गया है, अब हम क्या करें? हाँ एक काम करते, जॉगिंग ही करनी है ना तो इसी स्पीड से फटाफट घर के सारे काम कर लेते हैं। की जॉगिंग रह गई है। अरे ये क्या, ना कोई धूप बत्ती हुई है ना फूल है, राधिका जागी नहीं क्या अभी तक? राधिका राधिका मम्मी जी आप आवाज मत लगाइए, वो नहीं सुनने वाली। क्यों? वो क्या है ना मम्मी जी, जब से राधिका ने मिसेस कानपुर का खिताब जीता है तब से पूजा पाठ में उसका ध्यान है ही नहीं, अब तो वो मिसेस इंडिया बनने की तैयारी में लगी हुई है। मतलब वो
राधिका, क्या कर रही हो तुम? ऐसे साड़ी पहनकर घर में कोई भागता है, खुद भी गिरती मुझे भी गिरा देती। सॉरी दादी जी, वो मुझे हमें पतला करने की कोशिश कर... इसलिए जॉगिंग कर रहे थे। ये सब अगर करना है तो सुबह जल्दी उठो। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी दिव्यम के प्रति है, उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी इस घर के प्रति भी है। दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना सीखो, समझी तुम? जी दादी जी, माफ कर दीजिएगा, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे, हम नए फूल लेकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर खाने की तैयारी करो, फूल हम ले आएंगे। कविता। हाँ जी। राधिका, आज से तुम भी यही हेल्दी स्प्राउट्स खाओगी। चलो बैठो। टिफिन जी, हम बाद में खा लेंगे। बाद में कुछ नहीं, अभी चलो बैठो, वरना पता चला बाद में आराम से पराठे चटका दिए तुमने। बैठो, अभी सबको नाश्ता परोसना है। राधिका बेटा, सबने नाश्ता ले लिया है और खाने की सारी चीजें टेबल पर है, जिसे जो लेना होगा अपने आप ले लेगा। दिव्यम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हें भी तो उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? बैठो बैठो, साथ में खाओ उसके। रात को कौन आया? मैं आपका पार्सल। कैसा पार्सल? इसमें हमने माँ की दवाइयाँ मंगवाई थी। पर मैम इसमें तो वो आपका पेमेंट हो चुका है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट माँ जी। गुड नाइट। हम माँ की दवाइयाँ लेकर आते हैं। अच्छा राधिका, तुम सोने से पहले एक काम कर दोगे? जी बताइए। भाभी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या तुम उनके सर की मालिश कर दोगे? जी माँ जी। हमारा खेल राधिका। क्या कर रही हो सुजाता? वो कुछ नहीं माँ, बस प्यास लगी थी तो पानी लेने आए थे। अच्छा है, तुम रसोई में हो तो मेरे लिए हल्दी वाला दूध गर्म करके दे दो। जी माँ, अभी करते हैं। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? भगवाना सामने तो रखा है। माँ ये भगोना बहुत गंदा है, हम बस इसे धोने के लिए रखने वाले थे। आप अपने कमरे में चलिए, हम आपके लिए हल्दी वाला दूध बना कर लाते हैं।
अभी हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी। कैसा लग रहा है ताई जी, अभी आराम है? कसम से राधिका बहू, मजा आ गया। सच में राधिका बहू, तुम कितनी क्यूट हो। अभी सुनो, अभी जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है ना, एक्सरसाइज करना है। हाँ चलो जाओ, सो जाओ। जी दस बज गई है, राधिका कहाँ रह गई? राधिका क्या टाइम हो रहा है देखना जरा। टाइम से सोओगी नहीं तो टाइम से उठोगी कैसे? फिट होने का सबसे पहला उसूल है टाइम से सो, अच्छे से सो और जल्दी उठ जाओ। तिफिम जी हम बस आ ही रहे थे, लेकिन तब तक वो पार्सल वाला आ गया और फिर माजी ने बोला कि ताई जी के सर में हम मालिश कर दे, इस वजह से देर हो गई। अब सारे काम खत्म हो गए तुम्हारे? जी। तो जाओ सो जाओ। हाँ एक मिनट। हाँ राधिका, ये सॉस जैसा चिपचिप क्या है? सच बताना, तुम छुप छुप के कुछ खा के आ रही हो क्या? हमने कुछ भी नहीं खाया है, ये पता नहीं कैसे लग गया। सच्ची? ठीक है, गुड नाइट। अलार्म लगा दिया मैंने, उठ जाना टाइम से। राधिका उठो, राधिका चलो उठ जाओ। राधिका तिफिन जी तो पहले ही उठ गए थे और मुंह भी धो लिया है। वेरी गुड, चलो अब मैं मेरा प्रोटीन शेक बनाने जा रहा हूँ, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। ओके वेरी गुड। राधिका के मुंह पे जो सॉस लगा हुआ था वो इसी बर्गर का था, और मैं राधिका के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो कुछ भी मंगवा के खा रही है, उसे अपनी सेहत ही पड़ी नहीं। दिव्यम जी हम तैयार हो गए, हमारा जीरे अलसी नींबू और पुदीने वाला पानी कहाँ है? राधिका अगर तुम्हें पतला होना ही नहीं था ना तो मुझे पहले ही बोल सकती थी, तुम्हारे पीछे मेरा इतना टाइम बर्बाद नहीं होता। तिफिम जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? राधिका हाँ, वैसे तो तुम्हारे मुंह से सॉरी निकलना बंद नहीं होता, लेकिन आज जब तुम्हारी गलती है तो तुम गलती भी नहीं मान रही। तुम्हें क्या लगा था राधिका तुम कुछ भी करोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ
लेकिन गेस व्हाट, मुझे पता चल गया, मैं जो भी कर रहा था ना तुम्हारे लिए कर रहा था, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करनी है ना तो करो, आई डोंट केयर। टिफिन जी, अपना वजन कम करके हमारे मुन्ना का दिल जीतने वाली, हमारे होते हुए हम तुम्हारा ये वजन कभी कम नहीं होने देंगे। तुम्हें क्या लगा था राधिका तुम कुछ भी करोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ, लेकिन गेस व्हाट, मुझे पता चल गया। पता नहीं दिव्यम जी को क्या हो गया, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी या कौन सी बात उनसे छुपाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी है, उनकी नाराजगी का पता हम बाद में लगाएंगे, पहले उन्होंने जैसे हमें कल जॉगिंग करने के लिए कहा था वो कर लेते हैं। हम दिव्यम जी को निराश नहीं करेंगे। बटन दबाए, अगर जो तुम्हें डाइट करनी नहीं है, पतला होना ही नहीं है, तो फिर तुम एक्सरसाइज क्यों कर रही हो राधिका? क्यों कर रही हो ये सब ड्रामा? मैंने डाइट में कौन सी गलती कर दी? हद है राधिका, तुम अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो रही हो। वाह राधिका बहू वाह, तुम्हारा सही, घर के काम से बचने के लिए एक्सरसाइज का नाटक करो और रात को छुप छुप के बर्गर खाती हो। बर्गर? पर ताई जी, हमने कोई बर्गर नहीं खाया। पहले चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मैंने खुद बर्गर का पैकेट देखा है डस्टबिन बैग में। यही नहीं बेटा, कल रात को ये जब मेरे कमरे में आई थी, इसके चेहरे पे सॉस लगी हुई थी। वो तो मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि किसी के खाने पीने पे टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर राधिका बहू, घर के काम काज में थोड़ा सा ध्यान दिया करो, है कि नहीं? ताई जी, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीरियसली राधिका, सीरियसली जी, सच में? माँ, माँ, पेट में थोड़ी बदहजमी हो रही है, अजवाइन का पानी दे दो। क्या हो गया बेटा? वो
कल रात को बर्गर खा लिया था। पता नहीं कौन लेकर आया था, रसोई में इतने सजा कर रखा था, मैंने उसे देखा, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने खा लिया। अब भुगत रहा हूं, पेट बहुत दर्द कर रहा है। गुरु भैया, वो बर्गर आपने खाया था? हाँ, क्यों, तू लाया था? नहीं नहीं गोलू भैया, वो तो टिफिन जी को लग रहा है कि हमने वो बर्गर खाया है। एक मिनट, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। चलो ये सब छोड़ो, तुम एक्सरसाइज करो, चलो। अब वो गोलू भैया को पानी तो दे दे। वो मम्मी दे देंगी, तुम जाओ। हाँ वो पी लेंगे, चलो तुम एक्सरसाइज करो। बर्गर नहीं खाया उसका मतलब ये थोड़ी है एक्सरसाइज नहीं करना, चलो। हाँ हाँ मैं पानी लाती हूँ, तुम जाओ आराम करो जो तुम हमेशा करते हो, जाओ बेटा जाओ। गुड मॉर्निंग चाची जी। गुड मॉर्निंग गोलू बेटा। भाभी, आज आपके बेटे की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया। दिव्यम फिर से राधिका से खुश हो गया। इस राधिका का कुछ तो करना होगा। सोचा ही नहीं था कि काम से भी कैलोरीज जल सकती हैं। वही तो, अब ये तुम्हारा भूख वाला पाउडर शायद कोई काम आ जाए। देखो ये सारे बर्तन जल्दी से धो लेते हैं। तो खाने का समय नहीं हुआ, फिर इतनी भूख क्यों लग रही है? एक काम करते हैं, कुछ हल्का फुल्का से ही खा लेते हैं। राधिका, मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।